तो चलिए आज हम देखते हैं, बहुत सारे व्यूवर्स ये कह रहे थे कि हमें थोड़ी बेसिक से ये बता दीजिए सर कि कैसे हम मेल को डाटा को मेल करते हैं। ठीक है, मानते हैं आपके पास मोबाइल में कोई डाटा है या फिर लैपटॉप सिस्टम में डाटा है, आप एक जगह से ईमेल्स के द्वारा दूसरी जगह पे कैसे भेजते हैं। कभी कभी इस कंडीशन में आपको ऐसा होता है कि जैसे आपका घर परिवार आपके कहीं दूर दूर में है और आपके डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ जाती है। उस स्थिति में आप क्या करते हैं कि किसी साइबर कैफे में जाते हैं और जाने के बाद आप क्या करते हैं कि वहाँ से मेल करवाते हैं। तो आप अगर आपके पास घर पे सिस्टम है या लैपटॉप है तो आप घर से ही खुद से मेल कर सकते हैं। मेल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन आपको कैसे करते हैं, लैपटॉप वगैरह में कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लैपटॉप में एक सिस्टम्स होता है हमारे, देखिए लैपटॉप में इस प्रकार के एक सिस्टम्स होते हैं, और कंप्यूटर में लगाने के लिए हम लोग को एक अलग से राउटर्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक अलग से ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है जिसे इंस्टॉल करने के बाद चलता है। कंप्यूटर में आपको ऐसे नेट वाईफाई के थ्रू कनेक्ट नहीं होता है, जबकि लैपटॉप्स में हम लोग को मोबाइल के द्वारा हॉटस्पॉट के द्वारा चला सकते हैं। तो हमने रियलमी 3 मोबाइल्स हैं, इस मोबाइल्स के अंदर में हमने हॉटस्पॉट को चालू किया और लैपटॉप यहाँ पे आइए, देखिए बैटरी के बगल में जो पॉइंटर्स है जो हिडन सोर आइकन के बगल में है, इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आइकन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे वाईफाई का सिंबल दिखेगा और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दिख रहा है रियलमी थ्री आई इंटर एक्सेस, यानी कि आपका जो इंटरनेट है वो क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर मानते हैं कि आपके पास दो तीन चार कनेक्टिविटी है, आप किसी को जोड़ना चाहते हैं, आप इस वाईफाई पर करेंगे क्लिक। जैसे ही आप करेंगे क्लिक तो क्या होगा कि आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। ये डायलॉग बॉक्स में आपका जो नेटवर्क होगा उन नेटवर्क आपको शो कर देगा और जिस नेटवर्क से आपको कनेक्ट करना है आप उस पर जाकर कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कनेक्ट पे कर देंगे। ये हमारा ऑलरेडी पहले से कनेक्टेड है इसीलिए आपको नहीं दिख रहा। तो चलिए हम इसे पहले करते हैं डिसकनेक्ट और फिर से हम इसको कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हमने किया डिसकनेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम कनेक्ट ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही हम वाईफाई को ऑन करें हमारा लैपटॉप में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आप यहाँ पर सिर्फ कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके हॉटस्पॉट में कोई पासवर्ड होगा तो आपसे ये पासवर्ड खोजेगा, ठीक है, और यदि ये ऑटोमेटिकली पहले से जुड़ा हुआ रहेगा तो ये आपसे कोई भी पासवर्ड नहीं खोजेगा। तो देखिए ये हमारा पहले से जुड़ा हुआ है इसीलिए ये आपका क्या हो गया, कनेक्टेड हो गया। यदि हम यहाँ पे पासवर्ड को चेंज करेंगे तो पासवर्ड को चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपके साथ पासवर्ड मांगेगा। तो हमने देखा इंटरनेट कनेक्शन को जोड़ने के लिए, अब आगे देखते हैं कि कैसे ईमेल को खोलते हैं। तो ईमेल को भेजने के लिए, मेल को भेजने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए कि एक हम लोग को गूगल क्रोम से या कोई भी चीज़ ब्राउजर्स होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ डेस्कटॉप पे एक ब्राउजर से यहाँ पे गूगल क्रोम, यहाँ पे आप कहीं पर से भी आप क्लिक करके डबल क्लिक करके या जैसे भी आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जैसे ही ओपन होगा तो देखिए यहाँ पर कुछ वाईफाई के सिम्बल्स होंगे, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स होंगे, उन सारे फीचर्स के अंदर हम लोग देखेंगे। और ये जो ब्राउजर्स हैं एक सभी कंप्यूटर के अंदर कुछ अलग अलग प्रकार से खुलते हैं, आपको यहाँ पर घबराना नहीं है, आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मानते हैं कि आपका जीमेल वगैरह यहाँ पर डायरेक्ट दिख रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं दिख रहा हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कर्सर को, ठीक है, या फिर इस प्रकार से पूरे सिलेक्शन करेंगे और लिखेंगे गूगल गूगल, ठीक है, गूगल। जैसे ही लिखेंगे आप, आपके सामने गूगल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, गूगल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये देखिए आपके सामने गूगल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके बाद आपको करने क्या है कि आप यहाँ डायरेक्टली, आपको दिख रहा है आप डायरेक्टली यहाँ से भेज सकते हैं, और नहीं तो देखिए आपके पास एक इमेज, इमेज के पास एक 9 पॉइंटर्स हैं, इन पॉइंटर्स के अंदर में भी आपको क्या मिल जाएगा, मेल मिल जाएगा। अगर मेल करना है, डिस्को खोलना है, यूट्यूब खोलना है, मैप्स देखना है, कुछ भी आपको करना है, गूगल ट्रांसलेट करना है, कुछ भी करना है, तो आप यहाँ पे इन 9 डॉट्स में क्लिक करेंगे आपका ओपन हो जाए। तो देखिए यहाँ पर ओपन होने के बाद लिख देंगे गूगल, गूगल डॉट इन अपने आप ले लेगा। जैसे आप इंटर या बटन प्रेस करेंगे या सर्च करेंगे आपका यहाँ पे मेल खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे जीमेल का 9 पॉइंटर्स हैं, इन 9 डॉट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इन सभी को दिख जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं इसके अंदर जो आपके यूज लाइक्स हैं, ये यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें मेल करने हैं, तो मेल करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि मेल आईडी पे हमको जीमेल पे क्लिक करने हैं। देखिए यहाँ पे जीमेल पर क्लिक करेंगे, जैसे हम जीमेल पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जीमेल आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा लोडिंग हो रहा है जीमेल, हम इसमें आपको भेजने के लिए, लोडिंग करने के लिए सारी चीज़ आपको सिखाने वाले हैं।
ये थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। आपका नेटवर्क अगर एक्सेस अच्छा होगा तो आपके साथ कोई किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करें, आपको यहाँ पर देखिए लिख रहा प्लस, एक यहाँ देखिए सर्च मेल। सर्च मेल का मतलब है कि यदि आपके पास कोई मेल आया है, अगर मेल को आप खोजना चाहते हैं तो आप यहाँ खोज सकते हैं। जैसे मानते हैं कि रघु, रघु स्टूडेंट हैं, रघु जी, रघु के नाम से हम यहाँ पे सर्च करते हैं, देखते हैं कि क्या रघु जी के द्वारा कुछ आया कि नहीं मेरा मेल। हम यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, अगर होगा तो हमारे सामने आ जाएगा। तो ये देखिए आपका धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे खुलकर आने लगे। तो देखिए इतने सारे जो हमारे मेल्स आए हैं, ये सारे हमारे रघु जी के द्वारा आए थे। एक दो और मेल को थोड़ा सर्च कर लेते हैं, देखते हैं और कोई है। बिग वाइट, ठीक है, बिग वाइट जो कि कंप्यूटर आईटी सॉल्यूशन है, बहुत बड़ी कंपनी है। चलिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं बिग वाइट। अगर आपके सिस्टम में आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होगा तो आपको कहीं पर भी कोई इसी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा बिग वाइट के द्वारा है, ये आपका एडमिन कार्ड्स वगैरह जो है हमने कुछ बना करके इनको भेजे थे, ये सारे चीज़ आ गए। तो आप डायरेक्टली किसी भी मेल को, आए हुए मेल को आप यहाँ इजीली वे में खोज सकते हैं। डायरेक्ट आप उनको नाम वगैरह लिखे या कोई भी पहचान को लिख दें, ये आपका आ जाएगा। अब हम आपको ये मेल को भेजने के लिए बता रहे हैं, तो भेजने के लिए आपको क्या करने हैं, याद रखिएगा, मेल को सेंड करने के लिए आपको क्या करने हैं। ये देखिए आपका प्लस का सिंबल दिख रहा है, ठीक है, जिसे लिखा हुआ कंपोज, यानी कि जो प्लस का जो सिंबल्स होता है इसे हम लोग कहते हैं कंपोज। कंपोज का मतलब क्या होता है, भेजना। अब यहाँ पर हम जैसे ही कंपोज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ टू, और टू के लास्ट में आप देख रहे हैं सी सी बी सी सी लिखा हुआ। सी सी बी सी सी कहने का मतलब कि आप अगर एक एक से ज़्यादा आप एक्स्ट्रा जगहों पे एक बार में कोई मेल करना चाहते हैं तो आप सी सी बी सी सी ले सकते हैं, तो सी सी बी सी सी कहलाता है आपका। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहे हैं कि हम खुद पर फिर से मेल करके आपको खुद पर दिखाते हैं। तो टू में आपको कौन सी ईमेल आईडी लिखने, तो टू में वे ईमेल आईडी लिखने हैं जहाँ आपको कोई डाटा को भेजने हैं। याद रखिए टू में वे ईमेल आईडी आपको डालने हैं जिसमें आपको कहीं से कोई डॉक्यूमेंट को मेल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमको किस में करना है, टू में जाते हैं, तो यहाँ पे टू के पास हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मेरा ईमेल आईडी है sumeru226@gmail.com, हमने इसे सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। तो ये अगर आप एक हुआ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम एक से अधिक लोगों के पास भेजें तो आप भेज सकते हैं। जैसे मानते हैं हम यहाँ से भेजते हैं रघु, ठीक है, तो ये हमारे देखिए रघु बाबू हैं, स्टूडेंट हैं जो कि रघु बाबू के नाम से बनाए हुए हैं, तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। लिख रहा है डू यू मेल सुमेरु कुमार मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ पे सिलेक्ट ले रहा, ठीक है, कॉमा कर करके हम ये सारे दे सकते हैं। इसके बाद और भी अगर ईमेल आईडी वगैरह देने हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद आपको पूछता है सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट में होता है क्या कि आप यहाँ पे कुछ भी बता सकते हैं कि आप उनको क्या भेजने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं। तो मानते हैं यहाँ पे कोई फोटोज वगैरह भेजना है या कोई भी चीज़ आपको भेजने हैं, वीडियोज वगैरह भेजने हैं, तो वीडियो तो नहीं, जनरली ईमेल के द्वारा आप ज़्यादातर डॉक्यूमेंट वगैरह को ही भेजते हैं। तो यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट हम लिखते हैं, तो मानते हैं लिख देते हैं डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट हमने लिखा, ठीक है। अगर और भी आपको कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने हैं तो आप यहां से और भी कोई डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसके बाद अब हम नीचे में आते हैं, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन डालने से होता क्या है, ये डिस्क्रिप्शन डालने से क्या होता है आपका कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से पता चल जाता है। तो
आप ये भी आप ध्यान रखिएगा कि आप व्हाट्सएप वगैरह तो यूज करते ही होंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप वगैरह में भी देखते होंगे कि इसी प्रकार के कुछ डायलॉग बॉक्स आपको दिखते हैं। इन डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर जो ए पे लिखा हुआ है या फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देता है, जो कि फॉर्मेटिंग इस प्रकार से है, यानी कि अगर बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, गाढ़ा वगैरह में लिखना है, जो भी कुछ करना है आपको, आप यहाँ से इन सारी चीज़ को यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो डॉक्यूमेंट को आपको देखना होगा कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पर है। मानते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये अटैच फाइल का सिंबल है, आपको इस सिंबल को पहचाना होगा। ये अटैच फाइल के सिंबल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे ये ड्राइव का या भी जो भी डिस्क होता है उसका हमें बॉक्स ओपन हो जाएगा। या तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, या तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं डेस्कटॉप पे हमारे कुछ इमेजेस वगैरह हैं या जो कुछ भी हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट टेस्ट DEC 19 आपका जो है, हम इसे करते हैं सिलेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये आपका सर्च होने लगेगा, ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मानते हैं कि और भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं तो और भी आप डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो देखिए ये आपका है अटैच फाइल, आप अटैच फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या खुलेगा, ड्राइव का आपको बॉक्स खुल जाएगा। इन ड्राइव के बॉक्स में आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पर है, इन डॉक्यूमेंट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने एक फॉर्म बनाया है, कुछ फिगर्स वगैरह हैं, इमेजेज हैं, अगर इन सभी को आप भेजना चाहते हैं तो आप कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डेस्कटॉप पे है, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर डाटा सेव है आपका डाटा ले सकते हैं, यदि आपका यहाँ पर ए ले सकते हैं, आप जैसे एग्जाम एडीसी का एग्जाम्स वगैरह हुए थे उन लोगों का लिस्ट है, या फिर आपको लोकल डी ड्राइव, सी ड्राइव या डी ड्राइव, जहाँ पर भी आपका जो चीज़ है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे मानते हैं हमारा हेलो है, हेलो का एक कुछ इमेजेज हैं, हम यहाँ से कुछ इमेजेस को हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके ओपन करेंगे, ये हमारा देखिए यहाँ पर आ जाएगा। तो आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स को लेना चाहते हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। और आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको करने क्या है, यहाँ सीधे डायरेक्टली आपको करने हैं सेंड। जैसे ही आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपको यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, यानी कि सेंडिंग हो रहा है। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट सेंड होगा ये आपका चला जाएगा। और चलने के साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि हमने खुद भी एक अपने खुद के ईमेल पे भी भेजा है, तो देखिए थोड़ी देर में हो सकता है कि मेरे ईमेल पे भी ये डॉक्यूमेंट आपका आ जाए कि हमने क्या भेजा था। और एक तो हमने रघु जी के पास जो भेजा है तो रघु जी के पास भी ये पहुँच चुका होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नेटवर्क नहीं होने के कारण कभी कभी ये पोस्टपोन भी हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। यदि आपके नेटवर्क कनेक्शन अच्छे हों तो कभी ये दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमारा देखिए थोड़ी देर में आ सकती है। अब यहाँ पर हम कुछ और ऑप्शंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 डॉट्स हैं, इन 3 डॉट्स पर आप क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर आपको क्लिक करेंगे तो ये आपका कंपोज आपने जाना। इसके बाद ये है आपका इनबॉक्स, इनबॉक्स के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि जो जितने भी मैसेजेज आते हैं वो कहाँ आपको सेव होते हैं, आप कहाँ से देख सकते हैं, इनबॉक्स के अंदर से देख सकते हैं, ठीक है। तो इनबॉक्स में आपका ऑल मैसेजेज यहाँ पर रहता है दिया हुआ, आप यहाँ से जितने मैसेज को देखना है, ऑल को देखना है, आप यहाँ से एक बार में पूरे मैसेज को देख सकते हैं, आप यहाँ से पूरे मैसेज को देख सकते हैं। इसके बाद ये सेंट मैसेज है, अगर सेंट के बारे जो भी है आपका, देखिए यहाँ पे आ भी चुका है। हमने 2 डॉक्यूमेंट को भेजा था, एक था सब्जेक्टिव का और एक फिगर था, ये हमारे पास भी आ गया और जहाँ हमने भेजा वहाँ पर भी आ गया। तो अगर हमारे पास कोई भी लोग मेल के द्वारा अगर कोई भी कुछ भेजते हैं तो आप अब उसको डाउनलोड कैसे करेंगे, तो चलिए ऐसा करते हैं, फिर से हम इसको करते हैं मेल को बंद। और मेल को बंद करने के बाद अब हम आपको डाउनलोड करके दिखाते हैं। तो वही काम आपको करना है, आपको कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेने हैं, गूगल क्रोम्स वगैरह किसी को आपको ओपन कर लेना है। आप जैसे यहाँ से ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस के साथ आप मेल के, तो ये इस प्रकार से आपका ओपन हो रहे हैं। तो अगर कहीं से भी कोई भी मेल वगैरह आए हैं आप उसे देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से मेल को जिस तरह से हमने कहा था उस, तो देखिए ये आपको मेल को खोलने के बाद आपको जो भी मेल्स आते हैं वो कहाँ आपको मिलेंगे, तो वो यहाँ पे इनबॉक्स के अंदर में आपको मिलते हैं। जैसे आप इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी अभी मेल हाल फिलहाल में आया होगा वो आपके सामने यहाँ पे प्रदर्शित हो जाएगा। ये आपके सर्च का बॉक्स है, सर्च के बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका मेल हाल फिलहाल का रहेगा वो भी आपका आ जाएगा।
इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस और नीचे में देता है, देखिए जैसे मोर ग्रह हैं, तो मोर में क्या होता है कि अगर आपको एक बार में टोटल मेल को देखने हैं तो आप इसे ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद यहाँ पे ऑल मेल पे आप क्लिक करना है। जैसे आप ऑल मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके क्या होगा कि आपको टोटल मेल यहाँ पे दिख जाएंगे। इनबॉक्स पे आप क्लिक करके देखें, सिस्टम स्लो होने के कारण थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर देखिए इनबॉक्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया, या ऑल मेल पे जैसे ही आप नीचे जाकर के यहाँ पर ऑल मेल पे क्लिक करेंगे इसके अंदर में, तो देखिए आपको जितने भी सारे मेल आए हैं वो सारे मेल आपको क्या होते हैं मिल जाएंगे। कुछ कुछ मेल्स के तो क्राइटेरिया बटी होती है, जैसे सोशल होते हैं, प्राइमरी होते हैं, इस प्रकार से कुछ अलग अलग बटे होते हैं। ये देखिए अभी हाल अभी जो हमने हाल फिलहाल में जो डॉक्यूमेंट भेजा था, जैसे प्लस वन सब्जेक्टिव को, आपको इसको डाउनलोड करने हैं तो आपको इस पे क्लिक करने हैं। जैसे आप क्लिक करेगा तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। देखिए आपको सामने ये ओपन होगा, आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, ये देखिए हमारे जो क्वेश्चन थे ये हमारे ये डाउनलोड हो गए। इसके बाद ये हमारे क्वेश्चन ओपन हो गए। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पर लिख रहा कि ओपन विथ, आप किस में इसको ओपन करना चाहते हैं, तो आपको जो भी इसमें से आपको पसंद आते हैं इसके साथ आप चुन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए ये आपका प्रिंटर का सिंबल है, प्रिंट का, यानी जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंट होकर निकल जाएगा। और यदि आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं कि हम प्रिंट नहीं करना चाहते सिर्फ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे करेंगे डाउनलोड पर क्लिक। जैसे ही आप डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड का सिंबल दिखने लगेगा। आप इसको अगर ओपन करना करके देखना चाहें तो देखिए इस पॉइंटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से करेंगे ओपन या करेंगे शो इन फोल्डर, तो आपको ये पहुँचा देगा कि कहाँ आपको सेव होता है। तो जनरली डाउनलोड के फाइल में ही डाउनलोड आपका सेव हो जाता है। देखिए आपको प्लस वन सब्जेक्टिव टेस्ट 19 दिसंबर, अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो देखिए हम इस प्रकार से इसे ओपन कर सकते हैं। देखिए ये इस प्रकार से हमने इसे ओपन कर लिया। तो हमने आपको ये बताया कि आप किस प्रकार से मेल को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसको सिर्फ फिर वापस आना है, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे लेफ्ट एरो पर। इसके बाद हमको देखना है कि ये डाउनलोड हो गया। अब ये देखना है क्योंकि हमने एक हेलो का भी ऐप भेजा था, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। और अगर आपको इसको लेने हैं, देखिए यहाँ पर कुछ है आपका हेलो का ऐप्स में, यहाँ पर लिखा हुआ सूर्य क्या है, ग्रह क्या है, ठीक है, तारामंडल क्या है, ये सारी चीज़ आपको लिखे हुए हैं। अगर आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटर है नहीं इसलिए ये भी एक प्रकार का आपको सेटिंग देगा कि आप इसको सेव करके रख सकते हैं। देखिए अगर हम प्रिंट पर भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या देता है, आपको एक सेव करने का आपको क्या देगा, डॉक्यूमेंट देगा। यहाँ पर आपको लोडिंग हो रहा है, जो वहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा कि आपको क्या प्रिंट है, किस प्रकार से आपको प्रिंट करने हैं। तो देखिए आपको ये लिखा हुआ है प्रिंट, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे, बाकी ये आपका प्रिंटर का सेटिंग है, ये आपको बता रहा है डेस्टिनेशन आपका कहाँ, ये फाइल आपको सेव होगा, आपको कितने पेजेज आपको करने हैं। कस्टम करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पूछेगा कि आपको कितने पेजेज प्रिंट करने हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ऑल पे रखेंगे तो ये होगा कि आपको जितने भी पेजेज हैं टोटल को आपको सिलेक्ट करने हैं। एक आपका ये होता है पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब कि बिल्कुल एक खड़ा जो पेज है ये आपका पोर्ट्रेट स्थिति में है। यदि हम इसको लैंडस्केप में करेंगे तो ये हमारी लंबाई में हो जाएगी, और लंबाई में होने के कारण कुछ मैटर जो है हमारा कट भी सकता है, ये मैटर हमारा कुछ कट भी सकता है लैंडस्केप मोड में होने के कारण, इसीलिए आप पेज को देखते हुए ही मोड को चेंज करें, इसको पोर्ट्रेट ही रहने दें। इसके बाद नेक्स्ट करता है आपको कलर। कलर का मतलब होता है कि आप किस कलर में इसको निकालना चाहते हैं, ब्लैक एंड वाइट में या कलर में। अगर आप कलर में निकालना चाहते हैं तो जैसे जैसे इसमें कलर हैं कलर में निकलेंगे, और यदि आप ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एंड वाइट में निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर सब चीज़ वही दिखेगी, बस आपको यहाँ पर सेटिंग को सेट करना होगा। देखिए ये आपका ब्लैक एंड वाइट का है। इसके बाद बहुत सारे और भी सेटिंग्स हैं, तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं कि पेपर का साइज कौन सा होना चाहिए, मार्जिन कितना होना चाहिए, पेपर कितने शीट में आना चाहिए, ये बहुत सारे आपके ऑप्शंस और भी मिलते चले जाते हैं। और जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रिंटर नहीं सेव है, तो यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रिंटर है। जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एक आपको डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे देगा। देखिए हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके दे दिया, और ये बताया कि सर आपके पास प्रिंटर नहीं है, आप इस प्रिंटर को यहाँ पर क्या करें कि इस प्रिंटर पे को इस जो प्रिंट आप निकालना चाहते हैं आप इसे किसी नाम से सेव कर लें। हम इसे हेलो ने भेजा था, तो हेलो ऐप के नाम से
हेलो ऐप के नाम से जो है हम इसे सेव कर लेते हैं। और जो सेव होगा, मानते हैं हम डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, हम सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। लेकिन ये आपको इतनी जानी नहीं है, हम बस आपको धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ाते चले गए। आपका जो मेन चीज़ है वो यहाँ से वापस आइएगा। मेन चीज़ आपको ये है कि मेल कैसे करना है, तो आप कंपोज पे क्लिक करेंगे। रिपीट एक बार फिर से हम कर देंगे, कंपोज पे आपको करने हैं क्लिक। कंपोज पर क्लिक करने के बाद ये जो टू लिखा हुआ है, टू का मतलब होता है भेजना। आप किनके पते पर कोई मैसेज या डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हैं, आप जिनके पते पर कोई मैसेज या डॉक्यूमेंट को भेजना चाहते हैं आप उनका पता यहाँ पर लिख देंगे। एक बार मैं फिर से अपने पते पर कुछ भेज करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा ईमेल आईडी है और मैं यहाँ से कुछ ऐसे ही लिख देते हैं, हेलो हेलो लिख करके, और यहाँ से हम कर देते हैं सेंड। ठीक है, जैसे ही सेंड करेंगे तो देखिए हमारे सामने कुछ समय में ये हमारे मेल आईडी है। देखिए यहाँ पर एमी के नाम से आ गया, नो सब्जेक्ट हेलो। ठीक है, जो कि हमने अभी तुरंत भेजा है। तो इस प्रकार से आपके नेटवर्क अगर अच्छे होंगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए बायोलॉजी हेल्पडेस्क मिश्रा सर, जबकि मेरा मेल आईडी है sumer226@gmail.com। ये हेलो नाम से हमने अभी सब्जेक्ट में लिखकर भेजा था, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मानते हैं कि अगर आपका कोई मैसेज नहीं जा पाया, आपको मेल किया आपने नहीं गया, तो वो आपको ड्राफ्ट में जाकर सेव हो जाएगा। और यदि ये चला जाएगा तो आपके सेंट बॉक्स में भी आपको दिखाई देंगे। तो देखिए आपको सेंट बॉक्स वाला मैसेज देखने हैं कि सेंट बॉक्स में कौन कौन से मैसेजेज हैं, तो आप सेंट बॉक्स पर करेंगे क्लिक। देखिए हमने जो जो भेजा है, जिनको आप भेजा है, तो देखिए यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है। देखिए कुछ समय पहले हमने रघु के पास भेजा था, देखिए यहाँ पे रघु और सुमेरु दोनों के पास भेजे, एमी के नाम से कोई नाम नहीं है। ये आपका सनी देवल 178 I-78 है। तो इस प्रकार से आपके अलग अलग यहाँ पे पते हैं। तो ये आपको सेंट बॉक्स अगर देखना है कि हमने कहाँ कहाँ पे मेल किया, क्या क्या मेल किए, तो आप चले जाइए सेंट बॉक्स पे। और यदि आपके पास कोई मेल आया है तो आप कहाँ चले जाएंगे, मेल पर। जैसे मेल पर आप इनबॉक्स में क्लिक करेंगे आपको आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर टोटल मेल चाहिए, अगर ये स्टार वाला चाहिए कि स्टार लगा हुआ है, तो स्टार वाला भी आपको मिल जाएंगे। ये है आपका सर्च मेल, अगर आपको सर्च करने हैं तो आप डायरेक्ट इसको सर्च कर सकते हैं। देखिए जैसे सनी देवल जो है मेल आईडी, इनको हम सर्च करना चाहते हैं कि इनके पास से क्या आया क्या गया। तो देखिए इनके पास हमने 16 में जो एडमिट कार्ड है वो इनको प्रिंट करने के लिए हमने भेजा था। देखिए प्रिंट को हमने ओपन किया, ओपन करके आपको दिखा देते हैं कि हमारा एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम के समय हमने इस प्रकार के प्रिंटर को यूज किया था। ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया था, टोटल 16 जो एडमिट कार्ड थे उन एडमिट कार्ड को इनको प्रिंट करने के लिए हमने दिया था। तो इस प्रकार से आपको एडमिट कार्ड भी आगे चल के बनाने के लिए हम सिखाएंगे। तो ये आपको यहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सर्च की मदद से आप इसे खोज सकते हैं। आप इसे आएंगे वापस, ठीक है। तो ये आपने समझ गया कि यहाँ से आपने सर्च करके ला सकते हैं। कंपोज आप समझ गए, सेंट बॉक्स समझ गए, ड्राफ्ट समझ गए कि ड्राफ्ट के मतलब अगर नहीं जाएगा कोई मैसेज तो आपको ड्राफ्ट बॉक्स में आकर सेव हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, थोड़ी बहुत मोबाइल में जो आती है, वो सारे को नेक्स्ट वीडियो में कभी अगर कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिएगा कि जो चीज़ नहीं समझ में आएगा। ऐसे जनरली आपको ज़रूरत के हिसाब से जो 4-5 है यही आपकी ज़रूरत है, कंपोज मेल इनबॉक्स ऑल मेल और ड्राफ्ट सेंड, ये काफ़ी हैं आपके इन सभी को। तो चलिए बाकी हम आज के वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होगा, और ये हम आपको बता दिए कि कैसे आप मेल कर सकते हैं और कैसे मेल से आए हुए डॉक्यूमेंट को आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सारे चीज़ हमने बता दिए। अगर आपको यहाँ पे कहीं पर भी कोई दिक्कत लगती है, किसी प्रकार की भी समस्या लगते हैं, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है।